हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलिए द टैक। सो वैसे आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में आई बटन कैसे लगा सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आई बटन लगाने के क्या फायदा है। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो को देखते हो तो फिर ऊपर स्त्री से ब्लैक कलर में एक पट्टी आ जाता है और उसमें उस वीडियो का जो टाइटल है टाइटल भी लिखा रहता है, तो फिर इसी को आई बटन बोलते हैं। तो कैसे ठीक इसी तरीके से अगर आप भी अपने वीडियो में आई बटन लगाना चाहते हो तो कैसे आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और फ्रेंड, वीडियो में आई बटन लगाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि फिर मान जब कोई भी वीडियो वायरल हो चुके ऐसे भी फ्रेंड, अगर आप उस वीडियो पर आई बटन लगा दो तो फ्रेंड वो भी वीडियो आपका जो है वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड इसके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आई बटन लगाने के लिए सबसे पहले आपका जो वीडियो है वीडियो को अनलिस्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद सिंपली आपका जो क्रोम है क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऑप्शन को देखने को मिल जाए तो फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पर यूट्यूब के ऑप्शन को देखने को नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर आपको सर्च कर देना है youtube.com। जैसे ही फिर आप क्लिक कर सर्च करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करो तो फिर आपका जो मोबाइल है मोबाइल डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड के नंबर आपका जो चैनल का जो लोगो है लोगो को देखने को मिल जाए तो फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप क्लिक करो तो फिर इस चीज़ से आपका सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप योर चैनल पर क्लिक कर दो तो फिर आप देख सकते हो इस चीज़ से आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कस्टमर चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप कस्टमर चैनल पर क्लिक कर दो तो फिर इस चीज़ से आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस चीज़ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन पर कंटेंट का ऑप्शन को देखने को मिल जाए तो फिर आपको कंटेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप कंटेंट पर क्लिक कर दो तो फिर इस तरह से आपका जितना भी वीडियो है इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आपका जितना भी वीडियो होगा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको वीडियो में आई बटन लगाने के लिए आप जिस भी वीडियो पर आई बटन लगाना चाहते हो सिंपली आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप वीडियो पर क्लिक कर दो तो फिर यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद वीडियो में आई बटन लगाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे इस तरह से आपको आई कट का ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा और उसके राइट साइड में इस तरह से आपको पेंसिल का ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपको पेंसिल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप पेंसिल पर क्लिक कर दो तो फिर यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही फिर आप स्क्रॉल करोगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट के ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली आपको वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप वीडियो पर क्लिक कर दो तो फिर इस तरह से आपका जितने भी वीडियो है इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप जिस भी वीडियो पर आप अपने वीडियो का आई बटन में लगाना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सिंपली मैं यहीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही आप सिलेक्ट करो तो फिर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप अपने वीडियो में जहाँ पे आई बटन लगाना चाहते हो तो फिर इसको जो है इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप जहाँ भी आप अपने वीडियो में आई बटन लगाना चाहते हो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाना चाहते हो तो फिर सिंपली आपको इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में इस तरह से आपको सेव का ऑप्शन को देखने को मिल जाए तो फिर आपको सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिर आप सेव पर क्लिक करो तो फिर आपका जो वीडियो है वीडियो में आई बटन सेट हो जाएगा। तो फिर इस तरह से बहुत ही ईजिली आप अपने वीडियो में आई बटन लगा सकते हो। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।